आप ही भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आप भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। रोहतास पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उसने 15 जनवरी को चिरौंदी लदा ट्रक लूट कांड का भेदन कर दिया। इस मामले में 12 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया, दरीगांव थाना क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पिछले दिनों चिरौंदी लदा हुआ ट्रक को लूट लिया गया था और उसे गया के डोभी और रोहतास के ही चेनार इलाके में बेचने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को जब इसकी भनक मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 12 अपराधियों को धर दबोचा। लूटे गए 460 बोरा चिरौंजी बरामद किया, जिसका मूल्य 36 लाख से अधिक बताया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से चिरौंजी लादकर ट्रक रोहतास जिले के चेनारी जा रही थी। इस दौरान दरीगांव के पास अपराधियों ने ट्रक चालक को अगवा कर ट्रक को लूट लिया था। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और इसे उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। रोहतास से आरपी भारत के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। जो लूटा हुआ ट्रक था उसको बरामद किया गया और उसके बाद अग्रतर अनुसंधान में यह पता चला कि कुछ लोग इस जो चिरौंजी की जो लूट हुई है उसको वो डोभी में गया के पास डोभी में वो इसको बेच रहे हैं और पुलिस के द्वारा वहां पे फिर अपना जाल बिछाया गया और वहां से 4 अपराधियों को पकड़ा गया, जो जिनका नाम है संजय कुमार साह, सोनू कुमार, पवन कुमार तथा रामाकांत सिंह, जिसमें से संजय कुमार साह और सोनू कुमार ये बारून के रहने वाले हैं तथा पवन कुमार डेहरी का रहने वाला है और रामाकांत सिंह सासाराम मुफस्सिल का रहने वाला है। इनको बरामद किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया इनके पास और वहां से जो अपराध कर्मियों के द्वारा जो घटना कारित करने में ब्रेजा वाहन का उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने जो अपना इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और वहां से उनके पास से 74 बोरा जो चिरौंजी है वो बरामद किया गया। उसके बाद उनसे जो अग्रतर अनुसंधान किया गया उसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इसमें अन्य लोगों के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इनके उनके जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारी मिली उसके आधार पर चेनारी थाना अंतर्गत चेनारी के इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से 57 बोरा चिरौंजी को बरामद किया गया तथा बड्डी ओपी अंतर्गत आलमपुर गांव से सुचित कुमार, जो कि किराए के मकान में रह रहा था, जो कि चेनारी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 329 बोरा चिरौंजी का जो गायब हुआ था उसको बरामद किया गया तथा उसका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया और इन अपराधी कर्मियों के बयान के आधार पर 5 अन्य जो अपराधी हैं, वीर भगत, वृंदा कुमार, श्रीराम पासवान, राहुल कुमार तथा राजू कुमार, इनको जो कांड में उपयोग किए गए बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया है और राजेश कुशवाहा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जो कांड में लूटा गया ट्रक पूर्व में ही ये बरामद कर लिया गया था, कैमूर के कुदरा से बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो लूटा हुआ चिरौंजी जो लूटा गया था उसका 460 बोरा बरामद कर लिया गया है। लगभग जो लूट हुई थी उसको सारा बरामद कर लिया गया है। एक ट्रक लूटा हुआ बरामद किया गया है तथा अपराध करने के लिए इस्तेमाल करने वाले एक बोलेरो, एक ब्रेजा और एक पिकअप वान और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जो अग्रतर अनुसंधान में बात आई है कि ये जो अपराध कर्मी है इनके द्वारा इस पूरे जीटी रोड पे अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे ये जो ट्रक से चावल विशेष करके जो वाहन ले जाते थे उनको चिन्हित करके उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करते थे। गया जिले में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है और साथ ही साथ औरंगाबाद जिले में भी घटना कारित की गई है। वहां की पुलिस को भी हम लोगों ने सूचना दी है जिसके आधार पे उसका आपराधिक इतिहास हम लोगों को प्राप्त हुआ है और तो इस प्रकार से एक पूरा अंतर जिला गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। और दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का